नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बीजापुर की, जहां पर 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। जवानों से मुठभेड़ में मारे गए हैं नक्सली। एएसपी वैभव वैंकर ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। सर्चिंग पर जवानों के साथ निकले डीआरजी और कोबरा बटालियन की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। बीजापुर की बात हम कर रहे हैं, बीजापुर का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हो रही है जवानों और नक्सलियों के बीच। और इसी बीच 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। बड़ी सफलता मान सकते हैं जवानों के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए सतीश चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़, अभी क्या अपडेट है आपके पास? बता दूं कि मुठभेड़ बंद हो चुकी है, इलाके की सर्चिंग जवान कर रहे हैं। ये पूरा इलाका जो है मासागुड़ा थाना क्षेत्र के मल्लम नेंड्रा बताया जा रहा है। उस इलाके में लगातार माओवादियों की होने की सूचनाएं मिली थी, जिसके बाद डीआरजी कोबरा डिस्ट के बटालियन के जवानों को ऑपरेशन के लिए निकाला गया था। सुबह 7:30 बजे उस इलाके में फायरिंग हुई है। करीब 1 से 2 घंटे तक जो है मुठभेड़ चली है, जिसमें एडिशनल एसपी वैभव वैंकर ने बताया कि मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि 2 से 3 नक्सली मारे जाने का दावा किया है, जिसमें बताया जाता है कि 2 महिला नक्सली और 1 नक्सली। वही मौके पर भारी मात्रा में हथियार और नक्सली सामग्री बरामद किया गया। हालांकि जवान कैंप भी लौटे, जैसे ही जवान कैंप लौटे तो उसके बाद जो है उनसे चर्चा करने के उपरांत की विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश। एमपी में ऑनलाइन सट्टेबाज पर शिकंजा कसा गया है। ईडी ने सट्टेबाज पर शिकंजा कसा, बता दें महू निवासी लोकेश पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने 9 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की है। आरोपी ने अवैध ऑनलाइन सट्टे के जरिए यह संपत्ति जुटाई थी और यह बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा देखने को मिली है। ऑनलाइन सट्टे के जरिए इतनी बड़ी अमाउंट संपत्ति जो है जुटाई गई थी इसके द्वारा, और यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है ईडी के द्वारा। सट्टेबाज पर शिकंजा कसा गया है। महू के लोकेश पर ईडी ने शिकंजा कसा है और लगभग 9 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। ऑनलाइन सट्टे का यह काम करता था और इसी में संलिप्त था, लंबे वक्त से सट्टेबाजी करता आ रहा था और इसी से कमा करके उसने लगभग 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना ली थी, जिसे कुर्क ईडी के द्वारा कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सट्टेबाज पर शिकंजा कसा गया है, लगभग 9 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है, ज्यादा जानकारी? बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से पिछले साल अक्टूबर के महीने में ईडी ने एक रेड की थी और रेड के जरिए तमाम दस्तावेज खंगाले थे और उस दौरान ये जानकारी लगी थी कि इस युवक के द्वारा जो मुख्य आरोपी है, जो ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करता है, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि भारत के कई राज्यों में ये ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करता है। तो इस पर जब शिकंजा कसना शुरू हुआ था तो बाद में पता चला कि इसने 8.89 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो ऑनलाइन सट्टे के जरिए अर्जित की थी। इस पूरी संपत्ति को अब ईडी ने कुर्क करने के निर्देश जारी कर दिए, जिसमें से 10 इसकी अचल संपत्ति यानी प्रॉपर्टी और लैंड है। इसके अलावा 5 जो बैंक खाते थे उनको भी सीज करके कुर्क करने का काम किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश के सट्टा कारोबारी पर मानी जा सकती है, जिस तरीके से लगातार ये देखने में आता है कि ऑनलाइन सट्टेबाज जो है वो सट्टे का कारोबार करते हैं और अवैध तरीके से धन अर्जित करते हैं। कई बार ये भी देखने में आया है कि जो लोग सट्टे का कारोबार करते हैं उनको अपनी जान भी अधिक हानि के चलते अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो ऐसे में ईडी की एक बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश के लिहाज से कही जा सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने को मिली है। सट्टेबाज पर शिकंजा कसा गया है, लगभग 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। लंबे वक्त से सट्टेबाजी कर रहा था और ईडी ने बड़ी